चैनल कुकिंग विद शकीला किचन। आज की रेसिपी में बना रहे रमजान स्पेशल ब्लैक चना चाट। यह चना चाट बहुत ही मजे की और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आपने रेसिपी को अंत तक जरूर देखना है। चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 कप लिए चने, ब्लैक वाले हैं मेरे पास, तो इसको मैंने सिर्फ पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया। तो ये देखिए अच्छी तरह ये गले हुए हैं, आपने इस तरह इसको गला लेना है। अब इसमें जाएगा 1 कप कटा हुआ क्यूब्स में आलू। अब इसमें जाएगा 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज। ये चना चाट वो वाली है जो ठेलों पे बनी हुई मिलती है, जो रेड़ियों पे आके बेचते हैं गलियों में, ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। अब इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कटा हुआ खीरा, उसका छिलका मैंने उतार लिया। अब इसमें जाएगा 1 कटा हुआ मीडियम साइज का टमाटर, टमाटर के मैंने अंदर से बीज निकाल लिए। अब इसके ऊपर जाएगा 1/2 लेमन। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी 1 कटी हुई सब्ज मिर्च और 2 टेबलस्पून धनिया। सब्ज मिर्चों के अंदर से मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून इमली का पानी। ये मैंने खाली इमली को भिगो के तो उसकी मैंने गुठलियाँ निकाल के उसका पानी निकाला है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये भी सारा ऊपर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, ये भी सारा ऊपर डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून ब्राउन चीनी या ब्राउन शक्कर ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप वाइट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही खट्टी मीठी सी चना चाट बनके तैयार होती है। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चले ये मिक्स होगी, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। चले ये देखिए माशाल्लाह हमारी रमज़ान स्पेशल खट्टी मीठी चना चाट बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी चना चाट की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड में इसको शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लें। साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।